बच्चा मार दिया गया है और दफना दिया गया है। यमुनानगर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की शिवपुरी बी कॉलोनी में नवजात की गला रेतकर हत्या करने के बाद ससौली के शमशान घाट में दफनाए गए बच्चे के शव को निकाला गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान गड्ढे को खोदकर शव को बाहर निकाला। इसके बाद तीन डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया, साथ ही पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई। प्राथमिक जांच में बच्चे के गले पर तेज धार हथियार से काटने के निशान मिले हैं, जिससे गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकेगी। इससे पहले गांधीनगर पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर उसकी मां के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। शिवपुरी बी निवासी सुमित की शिकायत पर वीरवार को उसकी पत्नी पर एक माह के बच्चे की हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया। तब सुमित ने बताया कि बच्चे की मौत के बाद शव को ससौली शमशान घाट में दफनाया गया। इसके बाद गांधीनगर थाना प्रभारी ने बच्चे के शव को शमशान घाट से निकलवाने के लिए पत्र लिखकर अनुमति मांगी। इसके बाद डीसी के आदेश पर बच्चे के शव को निकालने के लिए डॉक्टर विजय कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। डॉक्टर जिग्नेश कुमार, विजय कुमार के साथ डॉक्टर सचिन शर्मा व एफएसएल के डॉक्टर चंद्रशेखर पुलिस बल के साथ ससौली शमशान घाट पहुंचे। पुलिस के तरफ से डीएसपी व गांधीनगर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। करीब 9:30 बजे बच्चे के शव को निकालने के लिए गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। गड्ढा खोद के बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। करीब एक घंटे तक पुलिस कार्रवाई चली। इसके बाद शव को सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एसएचओ महरूफ ने बताया कि बच्चे के गले पर कटने के निशान है। हत्या की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। हमारा बच्चा मार दिया गया है और दफना दिया गया है। ये जांच का विषय है और मामला सेंसिटिव है, तो अभी पूछताछ चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वाइफ पति पे लगा रही है और जो है पति वाइफ पे लगा रहा है, और इसमें उसके बाप का भी नाम ले रही हैं, उसकी जो वाइफ है कोमल है उसका नाम, और दादी सास का भी नाम ले रही है। क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है, जांच का विषय है, तो उसके बाद ही मैं प्रॉपर आपको बता पाऊँगा। अभी हमारे पे कोई फुटेज नहीं आई है, जस्ट अभी दरख्वास्त एक आई है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे तफ्तीश आगे चलेगी उस हिसाब से उसमें बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, डॉक्टर की टीम होती है, वीडियोग्राफी होती है, पोस्टमार्टम होगा और प्रॉपर जो नियमानुसार कार्रवाई करी। क्योंकि ना तो पुलिस को परिवार ने इंटीमेट किया और ना ही किसी पब्लिक ने इंटीमेट किया है और ना ही हमें किसी सूत्र से पता लगा है। आज हमें पता लगा है, हम साथ के साथ एक्शन में आके कार्रवाई कर रहे हैं। हत्या की रात बच्चे के माता पिता घर पर थे। किसने हत्या की और क्यों की, ये बात तो वे दोनों ही बता सकते हैं। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी। न्यूज डेस्क, एनिमल लाइफ।